राजनीति में अक्सर ये देखने को मिलता है कि कोई नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आज इस वीडियो में बात बीजेपी के नेता गौरव भाटिया की करते हैं। गौरव भाटिया मीडिया डिबेट में अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ करते भी दिखाई देते हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के नेता थे। ये 2017 से पहले की बात है। तब यही गौरव भाटिया नरेंद्र मोदी की कैसे आलोचना किया करते थे, आप खुद ही देखिए। ये भाजपा का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पे सांप्रदायिक दंगे हो। उत्तर प्रदेश में हमने मुरादाबाद में, मेरठ में, सहारनपुर में और उससे पहले मुजफ्फरनगर में ये देखा है। और अगर भाजपा अपने नेताओं को और अपनी बी टीम आरएसएस और वीएचपी को नियंत्रित कर ले तो मेरे ख्याल से दंगे बिल्कुल खत्म हो जाए। आज देखिए, अध्यापक कोई भी प्रश्न पूछे, प्रश्न था 2 करोड़ रोजगार दिया कि नहीं दिया, हमने कहा 8.5 लाख क्रेडिट दिया कि नहीं। फार्मर संबित जी की हालत यह है, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो प्रश्न कुछ भी हो, उत्तर यही है, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। दूसरा, प्रोटीन पे बस इतना कहूंगा कि मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम का प्रोटीन किसने खाया, महाराष्ट्र में चिक्की स्कैम का प्रोटीन किसने खाया, छत्तीसगढ़ में पीडीएस स्कैम का प्रोटीन किसने खाया, सारा प्रोटीन तो इनके नेता खा गए और बात कर रहे हैं कि प्रोटीन जनता तक नहीं पहुंचा। सीधे जनता के सवाल पे मैनिफेस्टो तो भाजपा कॉपी करती है, कैसी लैपटॉप नहीं बटने चाहिए, 2017 में डाल देती हम लैपटॉप देंगे। 2017 में गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नजर आए कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किया कि इस पार्टी में मैं कार्य करना चाहूंगा, इसको बल देना चाहूंगा। ये वो पार्टी है जहां पे श्री अमित शाह जी जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस पार्टी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं भारत को। इस पार्टी में श्री अरुण जेटली जी जैसा प्रखर वक्ता एवं बुद्धिजीवी है, जिनको जब हम सुनते हैं तो उनसे सीखने को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा वो प्लेटफॉर्म है कि जहां पे कार्य करके मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा। अब वह मीडिया डिबेट में मोदी की तारीफ और विपक्ष की जमकर आलोचना करते दिखते हैं और कई बार अब शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। अरे अधीर रंजन चौधरी ने क्या बाइट दिया है, वो देन क्या आई है, उसको डिफेंड करिए, उसको अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है पप्पू की प्रवक्ता, बिस्किट खिलाऊं क्या, पेडिग्री का बिस्किट खिलाऊं, अभी निकाल के खिला दूंगा, बिस्किट चुप हो जाएंगे, ऐसे फेंकूंगा, देखिए ऐसे फेंकूंगा और आप कूद के जाएंगे और बिस्किट खा लेंगे। आपके बीच में कुछ नहीं बोला था ना, अगर नहीं मैं दो बिस्किट खिला सकता हूँ, एक साथ दो बिस्किट एक साथ खिलाऊंगा, मैं जानता हूँ कूद के आप बिस्किट पकड़ लेंगे। अरे पेडिग्री के बिस्किट खाने वाली चुप करिए, पत्रकार थी आप। पर विपक्षी नेता भी चुप नहीं रहते, वे गौरव भाटिया के अपशब्दों का करारा जवाब दे ही देते हैं। यूपी मॉडल जवाब लूंगी, टाइम है। यूपी मुझे भी अकेले यूपी मॉडल दीजिएगा, ये बदतमीज आदमी दोबारा बीच बीच में बोलेंगे। ठीक है ठीक है, बदतमीज औरत, प्लीज प्लीज बदतमीज औरत, हट यहाँ से, चलो प्लीज, सबके परिवार से टिप्पणियां करते हो, हटो यहाँ से बदतमीज, प्लीज बंद कीजिए, तुम्हारी पार्टी बदतमीज है, तुम बदतमीज हो, तुम्हारे नेता बदतमीज है, राहुल गांधी बदतमीज है, पप्पू है वो पप्पू, गाली गलौज बंद कीजिए प्लीज, गाली गलौज बंद कीजिए, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, दोबारा जाऊंगा, केजूओं की तरह रोन रही है तुम्हारी पार्टी, कही की नहीं रही, तभी जनता ने इतने लात मारी है, इतनी लात मारी, वजूद खत्म हो गया। आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।